वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग टुडे। वी हैव टाटा टियागो विद अस। दिस इज एन एएमटी वर्जन और आज हम इसका रिव्यू करेंगे। 3 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं और ये गाड़ी क्लॉक कर चुकी है अराउंड 25,000 किलोमीटर्स। सो हमारे पास एक एनएफ टाइम है इसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए। लुक्स आर कंसर्न ऑफ दिस व्हीकल, बहुत प्रोपोर्शनेट डिज़ाइन है। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, 4-5 साल से ये गाड़ी मार्केट में है अभी। सो इट्स वेरी प्रोपोर्शनेट, यू सी फ्रॉम एनी एंगल, ईदर फ्रॉम द स्माइली ग्रिल और यू सी फ्रॉम द साइड, इट लुक्स रियली प्रोपोर्शनेट एंड इट लुक्स रियली गुड फ्रॉम ऑल द एंगल्स। Tata Tiago has got 1.2 liter 3-cylinder engine, 86 bhp 6000 rpm pe deta hai, sath mein 113 nm ka torque deta hai 3300 rpm pe। ye ek linear acceleration ka engine hai, isme koi turbo aapko nahi milega aur iska jo maximum juice hai wo aapki mid range mein aayega, to isko aage tak badhane ka, high air drive rpm pe le jane ka koi fayda nahi hota hai। mid range mein aap ise chalaiye aur ek ye bahut decent performance ka engine hai। ये कोई आपको एंथुजियाज्म क्रिएट नहीं करेगा आपके अंदर या कोई आपको बहुत पंच नहीं देगा, बट डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देगा फॉर सिटी एंड फॉर योर हाईवे ड्राइविंग। थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें कब आती है, जब आपका 3-सिलेंडर इंजन के वाइब्रेशंस आपको मिलते हैं, वो है इसमें। दो टाटा मोटर हैज ट्राइड टू कंट्रोल इट, लेकिन थोड़े बहुत वाइब्रेशन आपको स्टेयरिंग पे या ओवरऑल ड्राइविंग में मिल ही जाएंगे। द कार वी आर ड्राइविंग टुडे इज द ऑटोमेटिक वर्जन। ये बहुत हाई कन्वीनियंस पे आपको मैं 8/10 रेट करूंगा। आपका एक पैर बिल्कुल ही फ्री होता है और आजकल के ट्रैफिक में आपको बहुत कन्वीनियंट लगेगा। डाउन साइड इसकी क्या है कि इसमें थोड़े से आपको जर्क्स फील होंगे जब गियर चेंज होंगे, बिकॉज दिस इज एन एएमटी। और दूसरा इसमें इशू क्या आता है, थोड़ा सा रबरी इफेक्ट है जब आप गाड़ी चला रहे हैं, तो वो मज़ा आपको ड्राइविंग में नहीं आ पाता, क्योंकि वो रबरी इफेक्ट होने की वजह से गियर बॉक्स में परफॉर्मेंस पूरी नहीं आ पाती है। So, वहां पे इसका डाउन साइड हो जाता है। द अदर थिंग विच दिस कार हैज द पावर मोड। इसमें आपका सिटी मोड आता है, इसमें आपका स्पोर्ट मोड आता है। सिटी मोड बहुत रिलैक्स ड्राइविंग के लिए होता है, यू कांट एक्सपेक्ट क्विक ओवरटेकिंग एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत रिलैक्स अगर आप चला रहे हैं इधर इन द सिटी और इन द हाईवे। स्पोर्ट मोड में परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, टेपर ऑफ नहीं होती है। So we are trying in city mode now and you will be able to see the differences in the RPM and how the gear changes happen. Trying in sports mode now and you will be able to see the difference. जैसे मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी भी क्या डिफरेंस आपको आता है सिटी मोड में और स्पोर्ट्स मोड में। सो बेसिक डिफरेंसेस कि आप जब स्पोर्ट्स मोड में होंगे इंजन थोड़ा हाई रेव जाएगा और तब गियर चेंज करेगा और आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी, और सिटी मोड में क्विक गियर शिफ्टिंग होगी जिसकी वजह से आपके आरपीएम कम रहेंगे, परफॉर्मेंस आपकी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। एक बहुत यूजफुल फीचर इसके ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में आता है, दैट इज़ द क्रीप फंक्शन। तो क्रीप फंक्शन में क्या होता है, अगर आप बम्बर टू बम्बर ट्रैफिक में हैं, आप ब्रेक पैडल से पैर हटाएंगे और गाड़ी क्रीप करना शुरू कर देगी बहुत हल्की स्पीड पे, 4 या 5 की स्पीड पे चलना शुरू कर देगी, और जब आप ब्रेक लगाएंगे वापस तो रुक जाएगी। अब जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अभी गाड़ी खड़ी है, मैं बिल्कुल एक्सीलेटर नहीं दूंगा, ब्रेक पैडल पे अपना पैर हटाऊंगा बस, एंड यू सी स्पीड से आपको चलेगा पता, गाड़ी मूव होनी शुरू हो गई है। 2 या 3 की स्पीड या 5 की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी। सो और मैं इसे ब्रेक लगाऊंगा तो अब ये रुक जाएगी। सो इन द हैंडलिंग डिपार्टमेंट कोई आपको कंप्लेंट नहीं आएगी इससे, डिसेंट हैंडलिंग देती है आपको, जिधर आप बोलेंगे जाने को उधर जाएगी।
लेकिन थोड़ा सा इसमें बॉडी रोल आपको फील होगा बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ दिस व्हीकल, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा उस केस में। सस्पेंशन इज द मोस्ट इम्प्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ टाटा टियागो। सस्पेंशन उन्होंने ऐसा बनाया है जिसमें एक बैलेंस रखा है स्टिफ सस्पेंशन का और सॉफ्ट सस्पेंशन का, तो आपको जो राइड मिलती है स्पेशली ऑन द ब्रोकन रोड्स वो बहुत लाजवाब मिलती है, आपको कोई कंप्लेंट उसमें नहीं होगी। पॉट होल्स हो गए, स्पीड ब्रेकर्स हो गए या उबड़ खाबड़ रास्ते हो गए, आप इसको लेके आराम से जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी कंप्लेन कर रही है कि आप मुझे कहाँ पे लेके आ गए। इंटीरियर्स में क्वालिटी आपको इसकी डिसेंट मिलेगी, हर जगह हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल है जो इस सेगमेंट में होता भी है, सो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, लेकिन जो ओवरऑल क्वालिटी है वो डिसेंट है, आपको उसमें शिकायत नहीं आएगी। जो स्विच कह रहे हैं, जिस तरह के एसी नॉब्स हैं, जिस तरह के एसी नॉब पे आपको क्रोम सराउंडिंग मिलती है, वो सब आपको एक्सेप्टेबल मैनर में लगेगा। जो अच्छी बात टाटा टियागो की है वो है इसकी फिट एंड फिनिश, आपको एक रोबस्टनेस का फील होगा। आप दरवाजा बंद करेंगे आपको फील होगा उसका, आप ओवरऑल फील करेंगे गाड़ी को तो आपको एक मजबूती का एहसास होगा। और फिट एंड फिनिश के साथ साथ मैं आपको इसकी सेफ्टी के बारे में बोलना चाहूंगा, 4 स्टार ग्लोबल एनकैप ने इसे रेट किया है, विच इज रियली गुड। सो यू आर इन अ सेफ व्हीकल, योर फैमिली इज इन द सेफ व्हीकल। सो अब हम बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। ये अपनी सेगमेंट से एक दो नॉच ऊपर का म्यूजिक सिस्टम लगता है, वॉइस क्लैरिटी हो या बेस हो, एनीथिंग एनी सॉर्ट ऑफ म्यूजिक यू गोना एंजॉय दैट, आपको उसमें बहुत मजा आएगा। 4 स्पीकर आपको इसमें मिलेंगे, 2 ट्वीटर के साथ, एंड दैट वुड सफाइस मोस्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी व्हीकल इज रनिंग कॉस्ट, आपकी जेब पे कितना भार या कितनी हल्की है, तो उसके लिए टाटा मोटर ने प्रोविजन दिया है आपका AMC का। देखिए वारंटी जो होती है, जो सब गाड़ियों पे आती है, उसमें आपका वेयर एंड टियर और कंज्यूमेबल कवर नहीं होता है। वेयर एंड टियर जैसे कि आपका ब्रेक शू, वो आपका वेयर एंड टियर पे चले जाते हैं। कंज्यूमेबल आपका इंजन ऑयल, ये आपका वारंटी में कवर नहीं होगा। लेकिन टाटा मोटर्स के यहाँ जो कि गोल्ड AMC है या सिल्वर AMC है, उसमें आपका वेयर एंड टियर और कंज्यूमेबल दोनों कवर होगा। इनफैक्ट उनकी AMC में लेबर कॉस्ट भी कवर होती है। सो आई वुड सजेस्ट इफ यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू व्हीकल अलॉन्ग विद द वारंटी, गेट द एक्सटेंडेड वारंटी एंड गेट द AMC एज वेल, तो आपकी रनिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं रहेगी अगले मान के चलिए 5 साल तक। देखिए 2-3 साल पुरानी गाड़ी है विद वेल मेंटेन्ड सर्विस रिकॉर्ड, इन गाड़ियों का 2-3 साल में कुछ भी नहीं होता है, 20,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 तक कुछ नहीं बिगड़ता है अगर वो सही से मेंटेन है। बहुत ही अच्छा है अगर उस कंज्यूमर के पास उसकी AMC या वारंटी एक्सटेंडेड, फिर तो और भी अच्छी बात है। तो अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट में कोई भी टाटा टियागो विद सर्विस रिकॉर्ड मिलती है 3-4 साल पुरानी 40,000 किलोमीटर के आसपास चली भी, आप उसको बड़े आराम से ले सकते हैं। ये गाड़ी आपको जेब पे भी हल्की रहेगी, ओवरऑल एक पैकेज बन के आपके सामने आएगी। ये गाड़ी कोई आपको परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट के लिए नहीं बनी, इसका मकसद ही वो नहीं, इसका मकसद है कि ये आपको पॉकेट पे हल्की रहे, एक डे टू डे ड्राइविंग की नीड्स आपकी पूरी करे, एक सेफ गाड़ी आपको दे और एक ओवरऑल पैकेज बन के आपके सामने आए। तो टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को एक बहुत अच्छा पैकेज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, एंड दैट इज वाई यू वुड सी ये गाड़ी कंसिस्टेंट और डिसेंट नंबर क्लॉक कर रही है अपनी सेल्स फिगर में मंथ बाय मंथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अदर वीडियोज़।